Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we are discussing some of the short answer type questions related to the chapter Going Places. हम लोगों ने अभी तक Going Places नाम के chapter का short answer type questions लगभग कितना 27 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. शॉर्ट आंसर टाइप जो 2 मार्क्स के कैटेगरी में आएगा या 3 मार्क्स के कैटेगरी में आएगा या 4 मार्क्स के कैटेगरी में भी आ सकता है. तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोग 27 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं और अब बस 1-2 क्वेश्चंस और रह गए हैं. उसके बाद मैं तुम लोगों को प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए कुछ मैं तुम लोगों को दूंगा, जो तुम लोग बना करके उसका आंसर लिख करके देखना. और आंसर लिखने के लिए तुमको उन पॉइंट्स की ज़रूरत होगी जो पॉइंट्स मैंने चैप्टर पढ़ाते वक्त उसके एक्सप्लेनेशन में दिया था. आंसर तुमको कहाँ मिलेगा? तुमको आंसर मिलेगा कुछ एक्सप्लेनेशन में, जहाँ टेक्स्ट का पार्ट पढ़ाने के बाद मैं उसका एक्सप्लेनेशन पॉइंट वाइज करके लिखता हूँ, वहाँ पर तुम लोगों को उन क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा जो मैं प्रैक्टिस करने के लिए तुम लोगों को दूंगा. फिलहाल इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं. शॉर्ट क्वेश्चन टाइप आंसर्स जो हैं, 2 क्वेश्चंस बच गए हैं. नंबर 28, व्हाट इज अनरियलिस्टिक अबाउट सोफीज ड्रीम ऑफ हर फ्यूचर लाइफ. इस चैप्टर में बार बार ये बताया गया कि सोफी जो है वो फ्यूचर लाइफ को लेकर के अनरियलिस्टिक ड्रीम्स देखती है. बार बार इस चैप्टर में यही बात दोहराया गया है कि सोफी अपने फ्यूचर को लेकर के अनरियलिस्टिक ड्रीम्स देखती है. तो क्वेश्चन पूछा गया कि आखिर उसके ड्रीम में ऐसा क्या था कि उसके ड्रीम को अनरियलिस्टिक बोला गया. बार बार क्या ऐसा ड्रीम में था जो उसके लिए अनरियलिस्टिक वर्ड यूज करना पड़ा. सब कोई अपने फ्यूचर के लिए ड्रीम्स देखता है अपने टीनेजेस में. ये तो नेचुरल फेनोमेना है, टीनेज में सब कोई फ्यूचर ड्रीम्स देखता है. तो फिर सोफी का ड्रीम्स को अनरियलिस्टिक क्यों बताया गया, क्यों बोला गया? क्या आंसर दे सकते हैं? सोफी बिलोंग्ड टू अ पुअर फैमिली. सोफी का बैकग्राउंड बताया जा रहा है, फाइनेंशियल और सोशली. एक क्वेश्चन हम लोग इसके पहले भी डिस्कस किए हैं जिसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सोफी का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो कैसा है. सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बारे में पूछा गया था कि सोफी का फैमिली का सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है और वो लोग फाइनेंशियली उन लोगों का क्या पोजीशन है. ये क्वेश्चन पूछा गया था एक जगह और उसमें हम लोगों ने बताया था कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इस स्टोरी में जो ये प्रूव करने के लिए काफ़ी हैं कि सोफी एक लोअर क्लास पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी. तो वहाँ से ही ये बात उठाया गया कि वहाँ हम लोग पहले ही प्रूव कर चुके हैं. बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं इस स्टोरी में
जो ये प्रूव करते हैं दैट सोफी बिलोंग टू अ पुअर फैमिली. सोफी एक गरीब परिवार से बिलोंग करती है. हर पेरेंट्स वर मैनेजिंग द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ विथ ग्रेट डिफिकल्टी. अब सोफी क्योंकि एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है तो उसके पेरेंट्स जो हैं उनको मैनेज करना पड़ता था, मतलब कि बेसिक नेसेसिटीज़ को पाने के लिए भी उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था. यहाँ देखो हाईलाइट कर रहे हैं ग्रीन कलर से. सोफी पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी, उसके पेरेंट्स जो थे वो जैसे तैसे करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, बहुत मुश्किल से, विथ ग्रेट डिफिकल्टी. दो वर्ड्स अगर सिर्फ याद रखे जाएं तो की वर्ड्स तो उससे सेंटेंस बना लेगा. एक कि मैनेजिंग द नेसेसिटीज और दूसरा ग्रेट डिफिकल्टी. उसके पेरेंट्स जो थे वो इतने गरीब थे कि वो लोग अपने परिवार को, अपने बच्चों को बेसिक नेसेसिटीज़ जो होती हैं, ऐश आराम तो बहुत दूर का बात है. बेसिक जो एकदम नेसेसिटी होता है किसी बच्चे का, वो बेसिक नेसेसिटीज़ को भी पूरा करने में उन लोगों को बहुत डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है. ठीक है, बट सोफी हैज़ हाई ड्रीम्स. लेकिन अपने फैमिली बैकग्राउंड के विपरीत, अपने फैमिली बैकग्राउंड को नज़रअंदाज करके सोफी जो है वो अपने फैमिली बैकग्राउंड को नज़रअंदाज करके हाई ड्रीम्स देखती है. बट सोफी हैड हाई ड्रीम्स, मतलब बड़े बड़े सपने वो देखती है. क्या क्या? शी हैड प्लान्स टू सेट अप हर ओन ब्यूटीक. उसने प्लान किया था कि वो एक अपना ब्यूटीक सेटअप करेगी. द मोस्ट अमेजिंग शॉप द सिटी हैज़ एवर सीन. सबसे शानदार ब्यूटीक जो अभी तक इस शहर के लोगों ने देखा होगा, ये उसका प्लान था फ्यूचर का. शी वुड लाइक टू बी अ मैनेजर. अब जो ब्यूटीक खोलने का जो उसका सपना था उसके लिए पैसे चाहिए थे, और पैसे कमाने के लिए उसको काम के रूप में ऑप्शंस थे, मैनेजर बन जाएगी या एक्ट्रेस बन जाएगी या फैशन डिज़ाइनर बन जाएगी. ये सब बन करके वो पैसे कमाएगी और पैसे कमा करके शहर का सबसे बड़ा ब्यूटी शानदार ब्यूटी खोलेगी. ये उसके हाई ड्रीम्स थे. बट शी वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द रियलिटी. प्रॉब्लम ये था कि सोफी को जब भी लोग समझाने की कोशिश करते हैं, स्टोरी में हम लोगों ने काफ़ी बार देखा है कि सब कोई उसको समझाने की कोशिश करता है ऑलमोस्ट. जैसे उसके छोटे भाई से ले, छोटा भाई डेरेक, वो भी उस पर कमेंट करता है, उसके हाई ड्रीम्स के ऊपर कमेंट करता है. उसके फादर उसको समझाते हैं, चेतावनी भी देते हैं कि तुम किसी दिन मुसीबत में फंस जाओगी. उसका भाई जॉफ, वो भी उसको समझाता है. उसकी फ्रेंड जैंसी, वो भी उसको समझाती है. बट लेकिन इतना समझाने के बावजूद शी वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द रियलिटी. वो लड़की रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थी. शी कुड नॉट गेट एनी वर्क. और रियलिटी ये था,
शी कुड नॉट गेट एनी वर्क एक्सेप्ट दैट इन अ बिस्किट फैक्ट्री। रियलिटी ये था कि इस जगह के अलावा, बिस्किट फैक्ट्री के अलावा और किसी जगह सोफी को काम नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल तय था अकॉर्डिंग टू देयर फैमिली बैकग्राउंड एंड फाइनेंशियल स्टेटस। ये तय था कि उसका बिस्किट फैक्ट्री में लग जाना है काम पर अपना स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद। लेकिन सोफी ये रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करती है, कभी नहीं करती है। सब कोई समझाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं करती है। अब ये रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करती है और अपने हाई ड्रीम्स में डूबी रहती है, इसीलिए इन दिस वे, इसीलिए इस तरह से उसके ड्रीम्स जो हैं उनको अनरियलिस्टिक बोला गया है बार बार, क्योंकि वो ऐसी बातों के बारे में सोच रही है जो पॉसिबल नहीं है। वो रियल, साथ ही साथ उसका सबसे बड़ा गलती तो ये भी है कि वो रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहती ही नहीं है, वो फेस नहीं करना चाहती है रियलिटी को। शी वॉन्ट टू एस्केप फ्रॉम द रियलिटी। एक वर्ड एस्केप वर्ड से एक वर्ड बनता है, एस्केप जिसका मतलब होता है भागना, बचना, उससे एक वर्ड बनता है स्केपिंग। ठीक है, तो सोफी जो थी उसके लिए उसका जो हाई ड्रीम्स था, बड़े बड़े जो सपने देख के रखती थी, ये एक तरीका था उसके तरफ से अपने रियलिटी से एस्केप करने का, कि रियलिटी से भाग जाने का और अपनी दुनिया में रहने का। इसीलिए उसके ड्रीम्स को क्या बोला गया है, अनरियलिस्टिक बोला गया है, क्योंकि उसके फैमिली बहुत पुअर थी, वो लोग बहुत मुश्किल से अपना फैमिली को मैनेज कर रहे थे, बेसिक नेसेसिटीज़ को मैनेज कर रहे थे, और इधर सोफी का सोच ही अलग था। वो हाई ड्रीम्स में थी, वो ब्यूटी खोलना चाहती थी, वो पैसा कमाने के लिए एक्ट्रेस, मैनेजर या फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती थी, और ये सब। और सोफी जो है वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी कि ये पहले से ही तय किया गया है स्कूल से निकलने के बाद उनको बिस्किट फैक्ट्री में काम करना है। तो इन सब रीजंस के वजह से उसके ड्रीम्स को अनरियलिस्टिक ड्रीम बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो इसके टाइटल के बारे में है। प्रीवियस वीडियोस में जब मैंने ये चैप्टर शुरू किया था, एकदम जब ये चैप्टर मैंने शुरू किया था, उस समय उस वीडियो में मैंने आपको गोइंग प्लेसेस, ये जो चैप्टर का टाइटल है, इसके दो मतलब बताए थे। दो मीनिंग्स निकलता है गोइंग प्लेसेस का। जो लोग वो वीडियो देखे होंगे वो लोग रिकॉल कर सकते हैं कि मैंने क्या दो मतलब बताए थे और कैसे वो दोनों मीनिंग्स जो हैं वो इस चैप्टर को, चैप्टर के स्टोरी को सूट करता है, कैसे वो टाइटल जो है वो इस चैप्टर के लिए एक एप्रोप्रिएट टाइटल है, सबसे अच्छा टाइटल है। तो इसका गोइंग प्लेसेस का जो दो मीनिंग है वो मीनिंग समझना पड़ेगा। जो लोग पहले देखे होंगे वो लोग समझ चुके होंगे, नहीं तो अभी समझना होगा कि गोइंग प्लेसेस वर्ड जो है आखिर इसके क्या दो मीनिंग्स हैं
और इस स्टोरी में कैसे इस मीनिंग्स को रिलेट किया जा सकता है। तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि टाइटल इसका एप्रोप्रिएट है, सही है कि नहीं। पहले मीनिंग देखो। इन लिटररी टर्म्स गोइंग प्लेसेस रेफर्स टू अचीव सक्सेस। लिटररी टर्म्स के अनुसार मतलब एक फ्रेज के तरह अगर इसको लिया जाए, गोइंग प्लेसेस को अगर वर्ड्स के जगह फ्रेज के जैसा लिया जाए तो गोइंग प्लेसेस का मीनिंग निकलता है टू अचीव सक्सेस, सक्सेस पाना, टू बी सक्सेसफुल, ये मीनिंग निकलता है गोइंग प्लेसेस का। ये बात मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये रिपीट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन आंसर्स में, कि एक मतलब होता है इसका, जब इसको फ्रेज के रूप में लीजिएगा तो इसका मतलब होता है टू बी सक्सेसफुल, और उसी को यहां लिखा है टू अचीव सक्सेस, ये एक मतलब होता है। द टाइटल गोइंग प्लेसेस इज मोस्ट एप्रोप्रिएट, टाइटल जो है वो बहुत सूटेबल है, एज क्योंकि इट इज वेरी क्लियर, इट वेरी क्लियरली डिस्क्राइब्स द प्रोटैगोनिस्ट सोफी। क्योंकि इस चैप्टर का जो टाइटल है उसका जो मीनिंग है वो मीनिंग सीधे सीधे इस चैप्टर के प्रोटैगोनिस्ट, जो लोग मेरा भी पहले कभी वीडियोस देखे होंगे तो प्रोटैगोनिस्ट का मतलब समझ जाएंगे, सेंट्रल कैरेक्टर, हीरो, मेन कैरेक्टर। तो ये जो इसका मीनिंग है ना, टू अचीव सक्सेस या टू बी सक्सेसफुल, ये जो है ये सीधे सीधे इस चैप्टर की सेंट्रल कैरेक्टर सोफी पर एकदम सटीक बैठता है, सटीक बैठता है सोफी के ऊपर, जो जो कि इस स्टोरी की सेंट्रल कैरेक्टर है। कैसे सटीक बैठता है? क्योंकि सोफी भी पूरे स्टोरी में सक्सेसफुल होने का ही ड्रीम्स देख रही थी। सोफी का जो ड्रीम्स था ये सब, कि हम ब्यूटीक खोलेंगे, अपना मैनेजर बनेंगे, फैशन डिज़ाइनर बनेंगे, ये सब जो सपना था, ये सपने जो हैं, इन सब सपनों को अगर एक जगह जोड़ दिया जाए तो उसका मतलब निकलता है कि वो अपने जीवन में सफलता पाना चाहती थी, वो एक सफल जीवन बिताना चाहती थी। तो ये सबसे शॉर्ट और सबसे सटीक आंसर है इसका टाइटल को एप्रोप्रिएट साबित करने के लिए। सिर्फ एक कैरेक्टर जो कि सेंट्रल कैरेक्टर है इस स्टोरी की, उस कैरेक्टर से ही सीधा इस स्टोरी का जो टाइटल है उसका जो मीनिंग है वो सीधा उस कैरेक्टर से ही अप्लाई हो जाता है, एप्लीकेबल है उस कैरेक्टर पे, क्योंकि सेंट्रल कैरेक्टर सोफी जो है वो भी पूरे स्टोरी में क्या करती है, सी वॉन्ट टू अचीव सक्सेस, सी वॉन्ट्स टू बी सक्सेसफुल। तो इसलिए गोइंग प्लेसेस तो बिल्कुल सही टाइटल है इसका। शी इज डीपली इंथुजियास्टिक अबाउट हर सक्सेसफुल लाइफ। वो अपने आगे आने वाले फ्यूचर को सोच करके, जो सक्सेसफुल लाइफ का वो फ्यूचर्स सोचती थी उसको सोच करके सोफी बहुत डीपली इंथुजियास्टिक हो जाती थी। डीपली इंथुजियास्टिक मतलब क्या हुआ?
वो बहुत उसके फीलिंग्स जुड़ गए थे सक्सेसफुल होने से, सक्सेस पाने से उसके फीलिंग्स जुड़ गए थे। इसको लिखा है डीपली इंथुजियास्टिक थी वो। डीपली इंथुजियास्टिक किस चीज के लिए थी? अपने सक्सेसफुल लाइफ के लिए। दो वर्ड याद रखना है सिर्फ, डीपली इंथुजियास्टिक थी किसके लिए? सक्सेसफुल लाइफ पाने के लिए। एंड फैंटेसीज, फैंटेसीज वर्ड सबसे ज़्यादा बार यूज़ हुआ है इस चैप्टर में, इसका मीनिंग अब बताना ज़रूरी नहीं होना चाहिए। जो लोग चैप्टर के थ्रू गए होंगे वो अब समझते हैं कि फैंटेसी मतलब क्या होता है, फैंटेसाइजिंग मतलब क्या होता है। यह लिखा है एंड फैंटेसाइजेस, सोफी जो है वो फैंटेसी देखती है, ऑल गुड एंड सक्सेसफुल थिंग्स फॉर हर। जो डे ड्रीम उसका बोला गया है, अनरियलिस्टिक ड्रीम्स जिसको बोला गया है, वही तीसरा वर्ड है फैंटेसाइजेस। वो डे ड्रीमर थी, वो फैंटेसी देखती थी, और वो किस चीज़ का फैंटेसी देखती थी? सक्सेसफुल लाइफ जीने का, और अपने सारे फैंटेसीज़ को पूरा करने का। ऑल गुड एंड सक्सेसफुल थिंग्स फॉर हर, वो यही सब फैंटेसीज देखा करती थी। इन हर इमेजिनेशन शी फैंटेसाइजेज हर टू बी एन एक्टर। वो जब जैंसी के साथ बातचीत कर रही थी तो वो बताई थी जैंसी को कि हम पैसा कैसे कमाएंगे, क्या क्या प्रोफेशन सोच के रखा है। तो वो इमेजिन करके रखी थी कि हम एक्टर बन जाएंगे और मैनेजर या मैनेजर बन जाएंगे और अ फैशन डिज़ाइनर या फैशन डिज़ाइनर बन जाएंगे एंड देन फाइनली अ ब्यूटीक ओनर। और फाइनली जो है वो ब्यूटीक ओनर बनेगी, उसी के लिए वो मैनेजर या जो भी सोफिस्टिकेटेड प्रोफेशन चुनना का ड्रीम देख रही है, एक्ट्रेस बनने का या मैनेजर बनने का या फैशन डिज़ाइनर बनने का, ये जो उसका जो ड्रीम है वो ड्रीम इसलिए है क्योंकि वो बहुत सारा पैसा कमाना चाहती थी और ब्यूटीक ओनर बनना चाहती थी, और इस तरह से वो अपने लाइफ को सक्सेसफुली बिताना चाहती थी। मतलब बहुत सारे पैसे कमाना और किसी बिजनेस का ओनर होना, टू बी रिच, टू बी सक्सेसफुल, ये सब जिंदगी सोफी जो है वो फैंटेसाइज करती थी, इमेजिन करती थी। तो गोइंग प्लेसेस जो टाइटल है उसका मतलब ही है टू बी सक्सेसफुल। और सोफी जो सेंट्रल कैरेक्टर है उससे ये टाइटल सीधा सीधा रिलेट करता है इस तरह से कि सोफी अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहती थी। और सक्सेसफुल होना यहाँ किसको बोला गया है? मतलब एक पैसा, एक अच्छा प्रोफेशन करना, उसके बाद पैसे कमाना, उसके बाद फिर अपना जो ब्यूटी खोलने वाला सपना है उसको पूरा करना, ये है उसके लिए सक्सेसफुल लाइफ है। ये तो उसका ब्यूटीक वाला सपना था। एक और फैंटेसी वो देखती है इस स्टोरी में, शी ऑल्सो फैंटेसाइजेज टू हैव मेट द फुटबॉल स्टार डैनी कैसे एज हर क्लोज फ्रेंड एंड गोइंग फॉर अ डेट विथ हिम। वो
अपने आप को इतना सक्सेसफुल इमेजिन करती है कि एक और फैंटेसी देखती है जिसमें वो ये देखती है कि वो फुटबॉल स्टार डैनी कैसे से मिली है, उन लोगों की फ्रेंडशिप हो चुकी है और वो लोग आगे एक डेट पे जाने वाले हैं। ये भी सक्सेसफुल होने का ही इशारा है ना, स्टार्स सेलिब्रिटीज़ के साथ मिलना, उठना बैठना, दोस्ती रखना, इसके लिए तो आपको सक्सेसफुल होना पड़ेगा। तो वो ये भी फैंटेसी देखे थी कि वो फुटबॉल डैनी कैसे से मिली है और वो उसकी क्लोज फ्रेंड हो गई है और वो उसके साथ आगे भी मिलने वाली है, उसको बोला गया है गोइंग फॉर अ डेट विथ हिम। द टाइटल ऑफ द स्टोरी क्लियरली डिपिक्ट्स द एग्जॉटिक जर्नी ऑफ सोफी इनटू द ड्रीम वर्ल्ड ऑफ सक्सेस। ये टाइटल जो है वो बहुत स्पष्ट रूप से एक पूरा जर्नी दिखाता है सोफी का, वो जर्नी जिसके बारे में वो अपने ड्रीम्स में देखती है, और वो जर्नी था अपने रियलिटी से निकल करके सक्सेसफुल होने का। तो इसीलिए ये गोइंग प्लेसेस जो है ये सक्सेसफुल, ये एक एप्रोप्रिएट टाइटल है। और एक और मतलब हम बताए थे तुम लोगों को कि अगर इसको ट्रांसलेट करके देखोगे तो इसका मतलब निकलेगा टू विजिट मैनी प्लेसेस, गोइंग प्लेसेस मतलब अलग अलग जगहों पर जाना। तो अगर वो मीनिंग से भी तुम साबित करना चाहो तो इस स्टोरी में सोफी जो है सेंट्रल कैरेक्टर, वो बिल्कुल अलग अलग जगह पर जाने के बारे में इमेजिन करते रहती है, इसीलिए भी ये गोइंग प्लेसेस नाम का जो टाइटल है वो सबसे एप्रोप्रिएट टाइटल है इस चैप्टर का। तो इसके साथ हम लोगों का ये जो शॉर्ट टाइप आंसर है ये फिनिश होता है। हमने आपसे 29 क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए हैं सॉल्व्ड, और इसके अलावा मैं आपको कुछ एक्सरसाइज में कुछ और क्वेश्चन आंसर्स दे दूंगा जिसको आप प्रैक्टिस करके देखिएगा। और नेक्स्ट जो क्लास है वो हम लोग इसी स्टोरी का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।